देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। दिशा क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन हुआ संपन्न। आपको बताते चले कि आज दिशा क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन मुख्य अतिथि सागर सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी मोहम्मद सैफ, शुभम चौबे, सावन सिंह एवं मार्कंडे चौरसिया को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुर्गा सिंह, वीर बहादुर सिंह, जेलर कपिल देव सिंह, सुजीत सिंह, दिलीप सिंह, चंद्रभान सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देखिए रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मैं विपिन भाई से अनुरोध करूंगा कि वो विपिन चाचा का माला पहना कर प्रधान जी ने स्थानीय बस्ती रैया को उनके रिहर्सल में जाना है, तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा और शायद चीफ गेस्ट का इनको बाइट लेनी है तो आप प्लीज ले लीजिए। मेरा नाम अमल चतुर्वेदी है, मैं क्वालिफाइड एनआईएस क्रिकेट कोच हूं। क्रिकेट प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर चुका हूं। आज किस तरह का क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया जा रहा है? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से कई सरकारी जो खेलकूद स्थितियाँ थी सारी बंद पड़ी हुई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अपना एक प्राइवेट क्रिकेट एकेडमी दिशा क्रिकेट एकेडमी के नाम से यहाँ पे स्टार्ट करें, संदा में स्टार्ट करें, जिससे यहाँ के ग्रामीण बच्चों को भी अच्छा मौका मिले। हमारे जो बच्चे जो प्रैक्टिस जिनको प्रैक्टिस तो मिल जाती थी लेकिन एक मैच का माहौल नहीं मिल पाता था ग्राउंड की छोटी अवेलेबिलिटी के कारण, अब वो यहाँ पे हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिस के साथ साथ उनको हफ्ते में कम से कम एक मैच मिल सके किसी उद्देश्य के साथ, जिससे कि उनको मैच प्रैक्टिस भी मिले और इस ग्राउंड को डेवलप किया जा रहा है। जी अपना परिचय बता दें। जी मेरा नाम सागर सिंह है, MLCC विजय सिंह का छोटा बेटा हूँ मैं। सागर जी आज दिशा क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये प्रोग्राम ग्रामीण बच्चों के खेल के प्रमोशन के लिए है और ये सुनकर मेरे को काफी अच्छा लगा। ये चीज प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया के प्रोग्राम के अंडर आता है जहाँ के हर एक गाँव में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। बात की जाए तो हर गाँव से एक क्रिकेटर और तरह तरह खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं बनारस जिले से, ऐसे में दिशा क्रिकेट अकादमी इस पहल को किस तरह आगे बढ़ा रहा है? ये देखिए ये इनका दूसरा ब्रांच है और दूसरा ब्रांच पहुंचना मतलब इनका खेल का प्रमोशन हो रहा है, तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक ही नहीं और भी ब्रांच खोल के गाँव में वो लोग बच्चों की मदद करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे अकादमी के शुभारंभ पे? क्या कहना चाहेंगे इस शुभारंभ पे? जी अमन चतुर्वेदी जी को तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरे को यहाँ आने का अवसर दिया उन्होंने और बच्चों के बीच में जो 20 सालों से इन कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बहादुर सिंह जिलर भाई ग्राम प्रधान संधान आप सभी से मिलने की।